ये जो रिपोर्ट केंद्रीय गृह सचिव जी को दी गई है, ये छोटा फटाका है या बड़ा बम है, ये तो जल्दी ही सामने आएगा। लेकिन जो कहते हैं कि ये छोटा सा फटाका है, तो उनको पूछना चाहता हूं, अगर ये बहुत छोटी बात थी तो 25 अगस्त 2020 से आपने इसको छुपा कर क्यों रखा? वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर इसके माध्यम से सीधी उंगलियां उठती है? वो कौन लोग हैं जो कन्वर्सेशन में आते हैं? वो कौन लोग हैं जिन तक माल पहुंचता है? वो कौन लोग हैं जो इसका कोऑर्डिनेशन करते हैं? ये सारी चीजें बाहर आएगी, इसीलिए तो आपने इसको छुपा कर रखा। अब ये केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंचा है, जल्दी ध्यान में आएगा इसके पीछे क्या है।